चौके से करियर की शुरुआत कर अभिनेता बने नागपुर के प्रीतम सिंह के साथ शिवसेना नेता करण तूली और उनके साथी द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। प्रीतम ने करण और रिचि सेठी के खिलाफ कपिल नगर पुलिस थाने में शिकायत की है। मनपा के प्रवर्तन विभाग ने गांधीबाग जोन के तहत आने वाले महल इलाके में ज्ञानेश्वर सोरते के मकान के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया। मनपा प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अहमदाबाद गोवा दिल्ली से 7 फ्लाइट से कुल 761 यात्री नागपुर पहुंचे, उनमें से 101 संदिग्धों की जांच की गई। जांच में 2 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्हें उपचार के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। शहर में सहकारी संस्थाओं में घोटाले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब एक और सोसाइटी में 4 करोड़ का घोटाला सामने आया। हुड़केश्वर थाने में ओल्ड सुबेदार लेआउट के शारदा चौक पर स्थित आनंद साई अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडल और पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मनपा में अब विद्यमान सत्ताधारियों के बचे शेष कार्यकाल के लिए महापौर व उपमहापौर का चुनाव 5 जनवरी को आयोजित किए जाने की घोषणा कर दी गई है। निगम सचिव ने चुनाव आयोजित करने के लिए 5 जनवरी को सुबह 11 बजे सुरेश भट्ट सभागृह में ऑनलाइन सभा आयोजित करने का नोटिस जारी किया है। भाजपा से उपमहापौर के लिए नगर सेविका दिव्या गुरडे का नाम चल रहा है। बताते चले कि महापौर ओपन वर्ग से है और उपमहापौर का पद अनारक्षित है। राका ने भी मनपा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को पूर्व सांसद प्रफुल्ल पटेल और गृह मंत्री अनिल देशमुख कार्यकर्ताओं से तैयार रहने के लिए कहा। थाना देवला पार्क के अंतर्गत पींच राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन के लिए आया विवाहित जोड़ा चोरी का शिकार हो गया। यहां से कुली बीर बाग रिजॉर्ट बांद्रा में अकुला निवासी कस्तूरी मांडे व उनके पति पर्यटन के लिए आए थे। सोमवार को सिटी का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 0.7 डिग्री अधिक रहा। मांझों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। बावजूद इसके कुछ दुकानदार अब भी चोरी छिपे नायलॉन मांझा बेच रहे हैं। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए अब विक्रेताओं ने दुकान में मांझा रखने के बजाय इसकी ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है।